तो अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें, अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि ये चीजें कैसे मिले आपको, दैट इज एवरीथिंग वी नो अबाउट आवरली लोड। अब हम यही करने वाले हैं कि अगर मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स आते हैं, लाइक आर लोड, लाइक आर एल लोड, लाइक वॉट आरई टाइप ऑफ लोड, तो हमेशा हम उसको कैसे इजी वे में पा सकते हैं, इज इट ओके। तो मैंने तीनों के लिए एक टेबल क्रिएट करने वाला हूं, ठीक है। आप बस देखते जाओ, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी, आपको कभी बॉदर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है किसका क्या फॉर्मूला होगा, और आप रटने उठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये इसका एवरेज वैल्यू होती है, ये इसकी आरएमएस वैल्यू होती है, ये इसकी क्या होती है आपकी सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है, ये इसका पीआईबी होता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप जस्ट फॉलो करो, आपको आपको सारी वैल्यूज एक बार मिल जाएंगे, इज इट ओके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जरा क्या है इसके अंदर। सबसे पहले मैंने क्या कहा, इफ इट इज आर एल लोड, अगर ये आर एल लोड है तो चलो एक एक पॉइंट देखते चलते हैं। आप बताओ, अगर आर एल है तो ई तो है नहीं उसके पास, अगर ई नहीं है तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, थीटा वन। थीटा वन इज इक्वल टू क्या, मैंने बताया था याद करने के लिए, ई बाई बी एम। अगर ई की वैल्यू क्या है, जीरो, क्योंकि आर एल है तो ई है नहीं उसके अंदर, तो थीटा वन मिली जीरो डिग्री, इज इट ओके। सिमिलरली थीटा टू इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस थीटा वन। थीटा वन अगर जीरो है तो थीटा टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, पाई माइनस जीरो, दैट इज इक्वल टू पाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा, फायरिंग एंगल रेंज मैंने वहां लिखा था, कहां से कहां तक था, हमेशा थीटा वन से लेके थीटा टू। यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी, जीरो डिग्री, और थीटा टू की वैल्यू कितनी, पाई, तो जीरो से लेके कितना हो गया आपका पाई, दैट इज ट्रू और नॉट, दैट इज एग्जैक्टली ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास क्या है, नेक्स्ट हम लोगों ने किस बारे में बात किया था कि मेरे पास क्या होगा आपका फायरिंग एंगल कितना होगा, तो फायरिंग एंगल तो फायरिंग एंगल होता है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा ही होगी, इज इट ओके। और उसकी रेंज कहां से कहां हो सकती है, जीरो से लेके कहां तक, दैट इज पाई तक। नेक्स्ट मेरे पास क्या आया था आपका, एक्सटेंशन एंगल बीटा की हमने बात की थी, तो बीटा की वैल्यू फिर से बीटा ही होगी, क्यों बीटा होगी, क्योंकि मैंने बताया था अगर एल जब भी एग्जिस्ट करेगा हमेशा और हमेशा पाई के बाद, या जहां से भी रिवर्स बायसिंग स्टार्ट होगी, कभी वहां तुरंत एग्जैक्टली नहीं आपका ऑफ कर सकता है एससीआर, क्योंकि एससीआर इंडक्टर को अपनी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, फ्लो कराना पड़ेगा, डिस्चार्ज कराना पड़ता है। तो आपके पास क्या होगा, बीटा इज बीटा, तो मेरे पास क्या मिलेगा आपके पास, कंडक्शन एंगल, नेक्स्ट पॉइंट आया था, तो कंडक्शन एंगल कितना होगा, बीटा माइनस अल्फा अगेन, इज इट ओके नॉट, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम इसमें हो रही है, देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमने किसकी बात की थी, टाइम पीरियड की बात की थी, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा आपके पास, दिस इज ऑल आर हाफ वेव कन्वर्टर्स आर वन पल्स कन्वर्टर, तो मेरे पास क्या मिलता है, टाइम पीरियड इज अगेन व्हाट, वन पल्स, दैट इज इक्वल टू टू पाई, इज इट ओके। नेक्स्ट हम बात करें अगर सर्किट टर्न ऑफ टाइम की, तो व्हाट इज सी के टी, सी के टी ऑफ क्या लिखा है, टू पाई प्लस थीटा वन माइनस बीटा डिवाइड बाई हाउ मच ओमेगा, थीटा वन की वैल्यू कितनी, यहाँ पे जीरो, अगर थीटा वन की वैल्यू जीरो है तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना आएगा, टू पाई माइनस बीटा डिवाइड बाई हाउ मच ओमेगा, इज इट ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अगर आई नॉट एवरेज का अगर हम बात करते हैं, तो व्हाट इज आई नॉट एवरेज, प्लीज टेल, आई नॉट एवरेज इज इक्वल टू वन बाई टू पाई आर ब्रैकेट वी एम। नेक्स्ट क्या आपके पास, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस ई, क्या यहां ई एग्जिस्ट कर रहा है, देयर इज नो ई, तो आप क्या कहोगे, ई वाले टर्म को आप हटा दो वहां से, वीएम कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, दिस इज आई नॉट एवरेज, दैट्स ओवर। नेक्स्ट क्या आता है, अगर कोई पूछता वी नॉट एवरेज की वैल्यू कितनी होगी, तो वी नॉट एवरेज की वैल्यू कितनी होगी, आई नॉट एवरेज आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वी नॉट एवरेज इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच, I not average into R plus E, but E तो यहां है ही नहीं, अगर E की वैल्यू है ही नहीं, E को क्या लिखोगे आप, जीरो, तो E की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, that's all। इतनी ही बातें की जाती हैं जब भी आप किसके बारे में बात करते हो, किसी भी लोड के बारे में बात करते हो, इज इट ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर हम R लोड की बात करते हैं, चलो हम R लोड की बात कर लेते हैं, R लोड अगर है तो क्या उसमें E है, नहीं है ना, अगर E नहीं है तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, थीटा वन, तो थीटा वन की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स ऑफ ई बाई वी एम होती है, और ई की वैल्यू क्या है, जीरो, इसका मतलब कितना होगा, जीरो डिग्री, थीटा वन कहां होगा आपका, जीरो डिग्री, तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कहां से मिलेगा आपका, थीटा वन, इज इट ओके। तो आपके पास क्या मिलेगा, नेक्स्ट क्या होता है, थीटा टू, थीटा टू वैल्यू कितनी होगी, पाई माइनस थीटा वन, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, पाई। फायरिंग एंगल रेंज, फायरिंग एंगल अगर रेंज की बात करें तो कहां से कहां होता है, अल्फा थीटा वन से थीटा टू होता है, थीटा वन की वैल्यू जीरो है, तो जीरो से लेके कहां तक हो सकता है आपका, पाई तक, इज इट ओके नॉट।
सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा, फायरिंग एंगल मतलब फायरिंग एंगल दैट विल बी अल्फा, ठीक है। अब बताओ मेरे को एक्सटिंक्शन एंगल बीटा, आप बताओ मेरे को क्या यहां पे कोई एल है? अगर यहां पे एल नहीं है तो कोई भी एनर्जी उनर्जी का कंसेप्ट आ ही नहीं सकता है। जो भी आपके पास क्या होगा, रेजिस्टेंस हमेशा डिसिपेट करता है एनर्जी को, ना कि स्टोर करता है। तो मतलब क्या होगा आपका, जहां पे आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग स्टार्ट होगी, वहीं तुरंत थायरिस्टर क्या हो जाएगा आपके, स्टॉप कर जाएगा। तो कहां से कहां तक है, केवल जीरो से पाई, तो किस पे स्टॉप करेगा? ऑब्वियस है ना, इट विल बी एट पाई। इज इट ओके? बिकॉज देयर इज नो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। बीटा तभी एग्जिस्ट करता है जब क्या होता है आपका, जब भी कोई इंडक्टर आपके पास अवेलेबल हो तो तब उसका जो बीटा वैल्यू होते हमेशा पाई से ज्यादा मिलती है। इज इट ओके? नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंडक्शन एंगल की बात करें तो कंडक्शन एंगल कितना होगा आपका, बताओ मेरे को, बीटा माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू पाई माइनस जीरो डिग्री, सॉरी पाई माइनस व्हाट, अल्फा। इज इट ओके? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जरा, क्या है आपके पास सी के टी ऑफ सर्किट टर्न ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या है, टू पाई प्लस थीटा वन माइनस बीटा, 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस बीटा, और थीटा 1 की वैल्यू कितनी मिले आपको, जीरो, बीटा की वैल्यू कितनी मिले पर पाई, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई प्लस 0 माइनस क्या, दैट इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय ओमेगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, पाई बाय ओमेगा। इज इट ओके नॉट? तो आप लेक्चर फर्स्ट याद करो और रेजिस्टिव लोड जरा ध्यान से देखो, कहां से कहां तक एससीआर आपका क्या रहता है, आपका रिवर्स बायस कहां से कहां तक रहता है आपका, पाई से लेके 2 पाई, 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहता है, ना कि रिवर्स बायस में। इज इट ओके? तो मेरे पास कितना आया, पाई बाय ओमेगा आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगर आई नॉट एवरेज की, चलो इसको भी देख लेते हैं। आई नॉट एवरेज बोला 1/2 पाई आर, नेक्स्ट क्या होता था यहाँ पे, वीएम, नेक्स्ट क्या होता था, कॉस अल्फा, नेक्स्ट बोलो बीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, पाई। अगर बीटा की वैल्यू पाई है तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, माइनस वन का मतलब कितना होता है, 1, तो कितना मिला आपके पास, मिला कि नहीं मिला इतना, ठीक है। V not average का अगर हम बात करें तो यहीं पर अगर हम V not average की बात करें तो V not average is equal to होता है I not average into R plus E, क्या यहां पे E है, there is no value of E, तो E की value कितनी होगी आपकी, zero। अगर E की value zero हो गई तो V not average is equal to कितना हो गया, I not average into R, और जरा I not में R को multiply करो, क्या मिलेगा आपको, Vm by 2 pi 1 plus cos alpha। lecture number first में आप check कर सकते हो कि हम लोगों ने जो निकाला था एवरेज वैल्यू, वहां रेजिस्टिव लोड के लिए कितना आया था, Vm by 2 pi 1 plus cos alpha। इज इट ओके? नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर ये आरी लोड होता है, अगर ये आरी लोड है तो व्हाट विल हैपन, सेम मैनर में ना, ठीक है। सबसे पहले थीटा वन बात करते हैं, E है ना इसके अंदर, अगर E है तो व्हाट इज हैपनिंग, साइन इनवर्स ऑफ E by Vm, मिलेगी कि नहीं मिलेगी कुछ न कुछ वैल्यू, डेफिनेटली यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट आ जाओ जरा, थीटा टू की बात करते हैं तो थीटा टू भी एग्जिस्ट करेगा, दैट इज पाई माइनस थीटा वन। इज इट ओके? नेक्स्ट हम बात करते हैं फायरिंग एंगल रेंज की बात करते हैं, कहां से कहां होगा, अल्फा विल बी फ्रॉम थीटा वन से कहां तक, थीटा टू तक। इज इट ओके नॉट? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, फायरिंग एंगल के, तो फायरिंग एंगल तो अल्फा ही दोगे ना आप, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा कुछ भी वैल्यू हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब बात आती है बीटा की, बीटा क्या होता है आपका, एक्सटिंक्शन एंगल, ठीक है। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है जहां पे स्टॉप कर जाए। अब बताओ मेरे को, क्या यहां कोई कोई भी स्टोरिंग एलिमेंट है, एल है इसके अंदर, नहीं है ना। अगर एल नहीं है तो जैसे ही ये रिवर्स बायस होगा तुरंत क्या हो जाएगा आपका, ऑफ कर जाएगा। और रिवर्स बायसिंग थायरिस्टर की कब से स्टार्ट हो जाती है, थीटा वन से थीटा टू, टू के बाद ही तुरंत क्या होने लगता है आपका, रिवर्स बायस स्टार्ट होने लगता है। इसका मतलब बीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी, थीटा टू। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंडक्शन एंगल की बात करते हैं, तो कंडक्शन एंगल क्या होता है, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा टू माइनस व्हाट, अल्फा। इज इट ओके? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जरा, किसकी बात करेंगे, सर्किट टर्न ऑफ टाइम सी के टी ऑफ इज इक्वल टू क्या मिलता है, 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस व्हाट, बीटा डिवाइड बाय ओमेगा, और बीटा की वैल्यू यहां कितनी है आपकी, थीटा 2, तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस व्हाट, थीटा 2 डिवाइड बाय व्हाट, ओमेगा। मिला कि नहीं मिला, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा आपका यहां पे, 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 2। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो भी आपके पास सप्लाई और ई की वजह से जो रही आपका थायरिस्टर जो होगा वो रिवर्स बायसिंग कंडीशन में कब तक केवल रहेगा, कहां से कहां तक रहेगा, थीटा 2 से लेके 2 पाई प्लस थीटा 1 तक, 2 पाई प्लस थीटा 1 से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक, वो रिवर्स बायस नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन रहेगा। बट वो किस तरह बिहेव करता है उस टाइम पे भी, ऑफ स्विच,
क्यों ऑप्सिज बिहेव करता है, क्योंकि इतने ड्यूरेशन में आप पल्स अभी उसको दिए नहीं हुए होते, इज इट ओके। तो ये क्या आ गया आपका सर, कि टर्न ऑफ टाइम आ गया। नेक्स्ट बताओ मेरे को, आई नॉट एवरेज की कोई बात करता है तो आई नॉट एवरेज क्या होता है, बोलो ना, 1/2 πr। नेक्स्ट क्या होता है आपके पास, Vm। नेक्स्ट क्या होता है, cos अल्फा माइनस cos बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी यहां पे, दैट इज इक्वल टू थीटा 2, तो मैं क्या लिखूंगा, cos थीटा 2, इज इट ओके और नॉट। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, सॉरी, cos थीटा 2 माइनस ई बीटा माइनस अल्फा, बीटा की वैल्यू कितनी, थीटा 2 माइनस व्हाट, अल्फा, व्हाट यू हैव गॉट, दिस इज आई नॉट एवरेज। नेक्स्ट अगर मैं इसी में बात करता आरई लोड में वी नॉट एवरेज की, तो वी नॉट एवरेज मेरे को क्या मिलता, हाउ मच इट विल बी, आई नॉट इन टू आर प्लस क्या ई, ई है ना, तो आपका वही फॉर्मूला आपका फिर से वैलिड होगा, इज इट ओके। तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, इफ यू हैव अ सफिशियंट नॉलेज ऑफ व्हाट, इफ यू हैव, इट्स नॉट सफिशियंट, यू मस्ट हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ व्हाट, आरएलई लोड। अगर आरएलई लोड का आपका बहुत ही अच्छा बेसिक क्लियर है, तो यू डोंट हैव टू डू अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन व्हाट, फॉर आर लोड, फॉर आरएल लोड एंड फॉर आरई लोड, एंड रिमेंबरिंग ऑल द फॉर्मूलाज इज अ बुलशिट, ओके। तो कभी भी आप फॉर्मूलाज को कभी भी आप रिमेंबर करने की कोशिश मत करो, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट इज फॉर व्हाट दिस, वेन एवर इट इज आरएलई लोड, जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो आरएल लोड पे, आर पे, या आरएलई लोड पे फ्रेम हो या आरई लोड पे फ्रेम हो, तो हमेशा और हमेशा सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में ऑलवेज एंड ऑलवेज आप क्या याद करोगे, हमेशा इस फॉर्मूले को पहले लिखो, और जो जो पॉइंट्स आपको समझ में आता जाए तुरंत उसकी जगह जस्ट मेक अ सम रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट भी करना कितना आसान काम है, ठीक है, तो आप इसको पुट करो, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर मिलते चले जाएंगे। यू डोंट हैव टू डू एवरी टाइम इंटीग्रेशन, और एवरी टाइम यू हैव टू कैलकुलेट वेव फॉर्म बनाओ, ये सारी चीज क्रिएट करो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस वन, इज इट ओके। तो ये तो हुए कंट्रोल रेक्टिफायर। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये अनकंट्रोल रेक्टिफायर है भाई, अगर ये अनकंट्रोल रेक्टिफायर है तो आप ही बताओ ना मेरे को क्या प्रॉब्लम है, अनकंट्रोल रेक्टिफायर के लिए बहुत इजीली कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ जरा देखते हैं ना, अनकंट्रोल रेक्टिफायर के लिए इसको हटा दूं मैं, इसको कर देते हैं क्लियर। यहां पे हमने शायद पीआईवी की बातें नहीं की थी, तो अगर मेरे पास आरएल लोड है, जल्दी से बताओ पीआईवी आरएल के लिए क्या होता था, वीएम प्लस ई, अगर आरएल लोड है ई की वैल्यू तो है ही नहीं उसके अंदर, तो पीआईवी कितना आएगा इसके लिए, ओनली वीएम। तो मैं पीआईवी अगर लिखना चाहूं तो यहां लिख दो, पीआईवी इज हाउ मच, ओनली वीएम। नेक्स्ट आ जाओ, अगर ये आर लोड है तो ना तो भाई ई तो है नहीं मेरे पास, तो पीआईवी फिर से क्या होगा, वीएम प्लस ई, और ई की वैल्यू जीरो, तो कितना मिलेगा आपको, वीएम अगेन, तो इसके लिए पीआईवी कितना होगा आपके पास, वीएम। नेक्स्ट आ जाओ, अगर ये आरई लोड है तो आरई लोड में तो ई एग्जिस्ट करता है ना, ई मतलब बैक ईएमएफ, तो आपके पास कितना होगा पीआईवी, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वीएम प्लस ई, तो इसके लिए पीआईवी कितना आएगा, हाउ मच, वीएम प्लस ई। तो ये सारी बातें हुई किसके लिए, आपने चारों तरीके के लोड देख लिए, आर, आरएलई, आरएल और क्या, आरई। आरई लोड को बोलते हैं बैटरी चार्जिंग, आरएलई लोड को बोलते हैं इट इज लाइक समवॉट अ डीसी मशीन टाइप ऑफ लोड, या डीसी मोटर लोड कहा जाता है इसको, ठीक है। आर लोड क्या होता है, आपका एनर्जी डिसिपेशन काम करता है, इज इट ओके। तो ये चार तरीके के लोड के लिए इंपॉर्टेंट क्या था आपका, ये, दिस इज ऑल व्हाट फॉर व्हाट, कंट्रोल रेक्टिफायर। लेकिन अगर ये अनकंट्रोल रेक्टिफायर है तब और भी आसान है, आपको उसके लिए अलग करने की जरूरत नहीं है कि आप अलग से अनकंट्रोल के लिए 5 लोड फिर से पढ़वा, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर मेरा अनकंट्रोल रेक्टिफायर है तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, आर एल ई लोड की बात करूंगा, नेक्स्ट में किसकी बात करूंगा, आर एल की बात करूंगा, नेक्स्ट में किसकी बात करूंगा, आर की बात करूंगा, नेक्स्ट में किसकी बात करूंगा, आर ई लोड के लिए बात करूंगा, तो मैं इसको जरा रब करने वाला हूं, ठीक है। व्हाट आई विल गेट, सी, सारे लोड के लिए अनकंट्रोल रेक्टिफायर में हम कैसे कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर आपके पास क्या कंट्रोल रेक्टिफायर है तो आप क्या कर सकते हो, इन्हीं की मदद से आप क्या पा सकते हो, आर लोड के लिए पा सकते हो, आरएलई के लिए पा सकते हो, आरएल के लिए पा सकते हो, और आरई के लिए पा सकते हो, कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। तो डोंट रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूलास, ओके, जस्ट रिमेंबर व्हाट, दिस वन, दिस इज मोर देन सफिशियंट फॉर यू। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग वेल एंड द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू टेक द गेट 2018, दे मस्ट नो, this is a good revision purpose also, this is very nice how to revise the phase control rectifier। aur itna bhi hai, ye keval single phase ke liye nahi hota, jab main three phase ki baat karunga, jab main
फुल कन्वर्टर की बात करूंगा सिंगल फेज, तब भी मैं यही सारी बातें करूंगा, कुछ नया नहीं करने वाला। तो इसको आप मान लो पूरे फेस कंट्रोल रेक्टिफायर के लिए सब कुछ यही है। अगर ये आपको पता है तो मैं कभी भी आपसे कुछ भी बोलूंगा आप 2 सेकंड बता सकते हो आंसर। और ये होगा जब भी हम लोग देखेंगे, चाहे वो 3 फेज की बातें की जाएंगी, चाहे किसकी बातें की जाएंगी, चाहे सिंगल फेज फुल कन्वर्टर बात हो, चाहे सेमी कन्वर्टर बात हो, कहीं कुछ भी आएगा, आपको बस इतना पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो आप बात की मेरे भरोसा करके आप क्या कर सकते हो कि आप बस इतना रेडी करो बस। अगर आपको इतना रेडी है आपको कभी कोई इशू नहीं आने वाला। चलो देखते हैं अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। दिस इज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अनकंट्रोल्ड की बातें करते हैं। अनकंट्रोल्ड का मतलब होता है जहां पे हम केवल क्या यूज करने वाले हैं, डायोड्स। अगर मैं डायोड्स को केवल यूज करता हूं तो मेरे पे क्या क्या मिल सकता है, चलो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करें, जिसके बारे में आप कहना चाहते हो, चलो आरएलई लोड की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो आरएलई लोड फर्स्ट हो गया, तो आरएलई लोड जरा हम देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या था सबसे पहले पॉइंट, थीटा वन है ना। थीटा वन इज इक्वल टू कितना होता है आपका, साइन इनवर्स ई बाई वी एम, और ई की वैल्यू है ना आरएलई लोड में, अगर ई है तो थीटा वन एग्जिस्ट करेगा, अगर थीटा वन एग्जिस्ट करेगा तो थीटा टू भी है। थीटा टू की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, पाई माइनस थीटा वन, तो थीटा टू की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, इट विल बी सम व्हाट लेस देन व्हाट पाई वैल्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं फायरिंग एंगल रेंज की। हम बात करते हैं क्या इसमें फायरिंग एंगल कोई रिक्वायरमेंट है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फायरिंग एंगल बिकॉज इट्स अ डायोड सर्किट। अगर ये डायोड सर्किट है तो फायरिंग एंगल जैसी चीज का कोई एग्जिस्टेंस यहां पे नहीं होता। तो आप क्या कह सकते हो, जहां से जो आप लिखते थे वहां पे कहां से कहां तक फायरिंग एंगल रेंज स्टार्ट होता, थीटा वन से लेके थीटा टू, तो हमेशा और हमेशा फायरिंग एंगल अगर उस टर्म से आप रिलेट करना चाहते हो तो अनकंट्रोल में अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, थीटा वन। अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच, थीटा वन। अगर मैं इसको इस चीज को रिलेट करा रहा हूं किसमें, अनकंट्रोल में, दैट्स ऑल। बस आपको इतना पता होना चाहिए अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच, थीटा वन, दैट्स ऑल, इज इट ओके। तो मेरे पास क्या होगा, ऐसे भी होगा भी ना, ये कंडक्शन कब स्टार्ट करेगा, ऑब्वियसली ना, जीरो से थीटा वन के बीच में क्या होगा आपके पास, हमेशा और हमेशा सप्लाई वोल्टेज कम होगा, किससे, बैटरी वोल्टेज से। अगर बैटरी वोल्टेज से कम होगा, देखो ना, थीटा वन से पहले जो भी चीज होगी वो क्या मिलेगा आपको, नहीं कंडक्ट कर सकता बिकॉज इट विल बी इन रिवर्स वास कंडीशन, इज इट ओके। थीटा वन से लेके थीटा टू के बीच में वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, एनोड पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, कैथोड पोटेंशियल से तो मेरा डायोड क्या कर जाएगा आपका, ऑन कर जाएगा। इसीलिए तो मैंने क्या बोला कि अल्फा क्या करेगा, अल्फा से स्टार्ट करेगा थीटा वन, तो अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच, थीटा वन ऑलवेज। नेक्स्ट क्या आएगा, एक्सटेंशन एंगल बीटा कहां पे स्टॉप करेगा, बीटा इज व्हाट, बीटा, बीटा क्या होता था, जब भी एल आ जाता है बीटा मतलब क्या होता है आपका, पाई से ज्यादा होता था कि नहीं होता था, मतलब इवन रिवर्स बायस वोल्टेज रहेगा तो भी वो क्या कर सकता है आपका, कंडक्ट कर सकता है। ये बात हम लोग देख चुके हैं, जब कैसा लोड होगा आपके पास, एल होना चाहिए, दैट इज अ मस्ट कंडीशन इन द लोड, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, बीटा विल बी व्हाट, एक्सटिंक्शन एंगल, इज इट ओके और नॉट, एक्सटिंक्शन एंगल। नेक्स्ट क्या आया था मेरे पास, कंडक्शन एंगल। कंडक्शन एंगल की हम बात करें तो कंडक्शन एंगल कितना होगा बताओ ना, कंडक्शन एंगल इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, यही होता है ना, और बीटा माइनस अल्फा इज हाउ मच, थीटा वन, इज इट ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्या था वहां पे, नेक्स्ट वहां पे कौन सा पॉइंट था आपके पास, कंडक्शन एंगल वी हैव डन। नेक्स्ट था आपके पास क्या, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम बात करें, चलो सी के टी, क्या इसमें कोई सर्किट टर्न ऑफ टाइम जैसी चीज लिखना है इसके अंदर, नो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, व्हाई इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें कोई सर्किट टर्न ऑफ टाइम जैसी चीजें नहीं इंट्रोड्यूस की जाती, दैट इज ओनली द टर्न ऑफ टाइम, ठीक है, दैट्स नॉट अबाउट अ सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ओके, बिकॉज दिस इज नॉट अ थायरिस्टर, इट्स जस्ट अ डायोड सर्किट। आप इतना जरूर कह सकते हो कि ये कितने ड्यूरेशन के लिए क्या रहेगा आपका, रिवर्स बायस रहेगा, तो कितने से कितने ड्यूरेशन तक रिवर्स बायस रहेगा, आप देखो उसको कितने ड्यूरेशन के लिए रिवर्स बायस रहेगा, जो चीज सर्किट टर्न ऑफ टाइम आप डिफाइन करते हो इन एसीआर, वही इसका क्या कहलाता है, रिवर्स बायसिंग ड्यूरेशन, ठीक है। तो कितनी देर के लिए रिवर्स बायस रहेगा, 2 पाई प्लस थीटा वन से लेके कहां तक आपका, बीटा तक, इज इट ओके। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई प्लस थीटा वन से कहां तक, बीटा तक, ये क्या रहेगा आपका, रिवर्स बायस कंडीशन रहेगा, इज इट ओके, डायोड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जरा, क्या था आपके पास, आई नॉट एवरेज, फटाफट बताओ, आई नॉट एवरेज क्या होता है, 1/2 πr Vm cos alpha minus cos beta minus e beta minus alpha। तो मेरे पास कितना मिल गया,
वन बाई टू पाई आर वी एम कॉस अल्फा, अल्फा मीन्स वॉट, ऑलवेज थीटा वन, दिस इज कॉस थीटा वन माइनस कॉस बीटा, बीटा इज हाउ मच हियर, दैट इज इक्वल टू थीटा टू, तो मैं क्या लिखूंगा, सॉरी बीटा इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू बीटा, नेक्स्ट माइनस ई बीटा माइनस अल्फा, अल्फा मतलब हाउ मच थीटा वन, तो दिस इज वॉट, दिस इज द आई नॉट एवरेज वैल्यू, तो मेरे पास क्या मिला, इफ इट इज आर रियली लोड वट विल चेंजिंग, वट यू आर जस्ट चेंजिंग, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू थीटा वन, दैट्स ऑल, इफ यू आर चेंजिंग अल्फा इज इक्वल टू थीटा वन एंड इट विल हैपन बिकॉज देर इज नो नीड ऑफ वॉट फायरिंग इन केस ऑफ वॉट डायोड सर्किट, हेंस अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच थीटा वन, तो मेरे पास क्या मिलेगा, दिस विल बी लाइक दिस वन, इज इट ओके, नेक्स्ट आता है वी नॉट एवरेज, अगर कोई पूछता आपसे तो वी नॉट एवरेज ऑलरेडी यू नो, वी नॉट एवरेज इज इक्वल टू ऑलरेडी यू नो आई नॉट इन टू आर प्लस वॉट ई, वाई इट इज लाइक दिस वन, बिकॉज दिस इज द एल भी है, ई भी है, आर भी है, इज इट ओके, तो वी नॉट एवरेज आप डायरेक्टली यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पी आई वी, पी आई वी का अगर हम बात करें तो क्या था पी आई वी, वी एम प्लस ई, और ई है यहां पे, तो आप क्या कहोगे, पी आई वी इज इक्वल टू हाउ मच वी एम प्लस ई, तो यहां पे भी कितना मिलेगा आपको, वी एम प्लस ई। नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर एल लोड अगर हो, इफ इट इज आर एल लोड, सब बातें किसके लिए हो रही, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के लिए, तो मेरे पास जल्दी से बता चलो थीटा वन कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ ई की वैल्यू बोलो कितना है यहाँ पे, जीरो ना, इफ इट इज जीरो तो कितना मिलेगा आपको, जीरो डिग्री, तो थीटा टू कितना मिलेगा आपको, पाई माइनस जीरो, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, पाई, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा, अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा वन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, वाई इट इज जीरो, बिकॉज थीटा वन इज इक्वल टू जीरो, देन अल्फा विल ऑल्सो बी जीरो, वाई, बिकॉज अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच थीटा वन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इज वॉट, बीटा, बीटा इज वॉट, एक्सटेंशन एंगल, कैसा लोड है, आर एल है कि नहीं, अगर एल है तो बीटा तो एग्जिस्ट करेगा ना, इज इट ओके, तो बीटा एग्जिस्ट करेगा, तो बीटा एग्जिस्ट करेगा, तो बीटा क्या लिखेंगे, एक्सटेंशन एंगल, और बीटा जो होता है इन केस ऑफ आर लोड कब तक रहता है आपका, रिवर्स बायसिंग जहां से क्रिएट होती है उसके अप टू द सम मार्क्स तक रहता है, इज इट ओके। नेक्स्ट आ जाओ, बीटा के बाद क्या आ जाता है, कंडक्शन एंगल, तो कंडक्शन एंगल इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल टू बीटा माइनस थीटा वन, और थीटा वन की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू जीरो, तो आप क्या कहोगे, बीटा माइनस जीरो, इज इट ओके और नॉट, सही है ना, बीटा माइनस जीरो, दैट्स ऑल, अब बीटा की वैल्यू कुछ भी हो, इट इज आर एल लोड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट क्या पॉइंट है मेरे पास, कितनी देर के लिए रिवर्स बायस रहेगा, कितनी देर के लिए रिवर्स बायस रहेगा, टू पाई प्लस थीटा वन माइनस बीटा, इज इट ओके, तो कितना मिला मेरे को, टू पाई प्लस थीटा वन इज इक्वल टू जीरो, तो कहां से कहां तक रिवर्स बायस रहेगा, टू पाई माइनस बीटा तक ओनली, वाई, बिकॉज थीटा वन इज इक्वल टू हाउ मच, जीरो। नेक्स्ट आ जाओ जरा, नेक्स्ट हम किसकी बात करें, आई नॉट एवरेज, चलो आई नॉट एवरेज इज इक्वल टू क्या आएगा, वन बाई टू पाई आर ब्रैकेट वी एम कॉस अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच थीटा वन, एंड थीटा वन इज इक्वल टू हाउ मच, जीरो, तो कॉस जीरो माइनस कॉस बीटा माइनस ई, क्या ई है इसके अंदर, नहीं है ना, इफ ई इज नॉट देयर वी डोंट राइट हिट ई, ई इज इक्वल टू जीरो, दैट्स ऑल, तो कितना मिल गया आपको, वन बाई टू पाई आर वी एम कॉस जीरो की वैल्यू होती वन, तो कितना मिला, वन माइनस कॉस बीटा, इज इट ओके। तो नेक्स्ट आ जाओ, वी नॉट एवरेज कोई बात करता है, तो वी नॉट एवरेज इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, आई नॉट एवरेज इन टू आर, क्या ई है यहां पे, नहीं है, तो आई नॉट एवरेज प्लस ई एंड ई इक्वल टू जीरो, कितना मिलेगा, वी नॉट एवरेज इक्वल टू आई नॉट एवरेज इन टू आर। नेक्स्ट आ जाओ, अगर पी आई वी की बात करूं तो पी आई वी इक्वल टू क्या है, ध्यान करो वी एम प्लस ई, और ई की वैल्यू कितनी, जीरो, इफ ई इक्वल टू जीरो देन डेफिनेटली पी आई वी इक्वल टू हाउ मच वी एम, इज इट इजी और नॉट, it's easy or not, it's easy, how you are tackling everything on the basis of what, this only। next aa jao, last hum baat karne wale hain kiski, last nahi, it's the second last, hum baat karne wale hain agar mere paas kya hai, if it is what, kaisa load hai mere paas, re, chalo re load ke liye dekh lete hain, re load ke liye mere kya milne wala, to re load ke liye agar main dekhunga to mujhko kya milne wala, sabse pehla point theta 1 jaldi, साइन इनवर्स ऑफ ई बाई वॉट वी एम,
और एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही ना, तो थीटा वन एग्जिस्ट करेगा। अगर थीटा वन एग्जिस्ट कर रहा है तो थीटा टू कितना आ जाएगा, पाई माइनस व्हाट, थीटा वन, दिस इज थीटा टू। नेक्स्ट आ जाओ, अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, थीटा वन, एंड थीटा वन इज इक्वल टू आपके पास ऑलरेडी पता है कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ ई बाई वी एम। नेक्स्ट आ जाओ बीटा, बीटा इज व्हाट, इट्स आर ई, आर ई का मतलब क्या होता है आपका, आर ई का मतलब होता है देयर इज नो इंडक्टर। तो नो इंडक्टर है तो कहां से कहां तक होता है, हमेशा कहां से कहां तक आपका कंडक्शन होता है, थीटा वन से लेके थीटा टू, इट्स ऑलवेज, ठीक है। तो थीटा वन से थीटा टू होता है, तो थीटा टू पे ही उसको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा टू के बाद तुरंत वो क्या होगा, आपका रिवर्स होगा। अगर रिवर्स हो गया, यहां कोई इंडक्टर तो है नहीं, तो आपके पास क्या मिलेगा, थीटा टू पे ही स्टॉप कर जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, थीटा टू। नेक्स्ट आ जाओ, मेरे पास क्या है, कंडक्शन एंगल, तो कंडक्शन एंगल, कंडक्शन एंगल इक्वल होता है बीटा माइनस अल्फा, और बीटा की वैल्यू कितनी, थीटा टू, अल्फा की वैल्यू कितनी आपके पास, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, साइन इनवर्स ऑफ ई बाई वी एम, इज इट ओके ऑर नॉट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, किसकी हम बात कर लें, कितनी देर के लिए रिवर्स बायसिंग एग्जिस्ट करेगी, कितना हमेशा होता है, जो वही सर्किट टर्न ऑफ टाइम वहां था वही उसकी, इसके लिए कहलाता है रिवर्स बायस टाइम, ठीक है। तो रिवर्स बायस कितनी देर के लिए हो रहा है, 2 पाई प्लस थीटा वन, थीटा वन हमें पता है कितना है, माइनस क्या लिखा वहां पर बीटा, और बीटा का वैल्यू यहां कितनी आपके पास, थीटा टू। तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज द एंगल ड्यूरिंग विच द एससीआर विल बी इन रिवर्स बायस कंडीशन। नेक्स्ट आज हम बात कर लेते हैं पीआईबी की, अगर हम बात कर लें, पीआईबी इक्वल टू क्या होता है, आर ई है ना, अगर आर ई है तो ई है ना, तो मैं क्या कहूंगा, वी एम प्लस ई, दैट्स ऑल। नेक्स्ट आ जाओ, हम किसकी बात कर लें, आई नॉट एवरेज की बात कर लें, अगर हम आई नॉट एवरेज की बात कर लें तो 1/2πr Vm, नेक्स्ट cos अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमेशा और हमेशा अनकंट्रोल क्या होती है, थीटा वन की इक्वल, तो मैं क्या लिखूंगा, थीटा वन माइनस cos बीटा, बीटा कितना है, थीटा टू की इक्वल, तो मैं क्या कहूंगा, थीटा टू ब्रैकेट माइनस, दिस इज लाइक दिस वन, माइनस ई, नेक्स्ट क्या, बीटा माइनस अल्फा, बीटा इज हाउ मच, दैट इज थीटा टू, अल्फा की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू थीटा वन, दिस इज व्हाट, आई नॉट एवरेज। नेक्स्ट इफ यू वांट टू कैलकुलेट वी नॉट एवरेज, तो वी नॉट एवरेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, बोलो ना, आई नॉट इनटू आर प्लस ई, बिकॉज ई है, अगर ई एग्जिस्ट कर रहा है तो वी नॉट एवरेज इज ऑलवेज इक्वल टू आई नॉट इनटू आर प्लस ई। तो ये क्या हुआ मेरे पास, आर ई लोड के लिए आ गया मेरे पास। अब अगर मैं लास्ट लोड की बात करूं, दैट इज आर लोड, तो अगर आर लोड की मैं बात करूं तो चलो लास्ट हम देख लेते हैं आर लोड में क्या हम कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास आर लोड होगा तो व्हाट विल हैपन, सी व्हाट इज हैपनिंग इन आर लोड, तो मेरे पास क्या है आर लोड, तो नेक्स्ट है मेरे पास अनकंट्रोल्ड आर लोड, रेक्टिफायर की बातें चल रही, तो थीटा वन बता दो कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ ई बाई बी एम, आर अगर लिखा है तो ई की वैल्यू जीरो है, तो मतलब कितना होगा, जीरो डिग्री। थीटा टू चलो बात करते हैं, थीटा टू इज इक्वल टू पाई माइनस व्हाट, थीटा वन कितना मिला आपके पास, सॉरी इट इज पाई माइनस जीरो, दैट इज इक्वल टू पाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट किसकी बात होती है, अल्फा, अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा वन, और थीटा वन कितना मेरे पास, जीरो डिग्री। नेक्स्ट आ जाओ बीटा, बीटा का मतलब होता है जहां पे स्टॉप करे, कहां से कहां तक कंडक्ट करेगा, जीरो से लेके कहां तक, पाई तक, वाई इट्स नॉट बियॉन्ड पाई, पाई का आगे तुरंत ही इसको रिवर्स बायस मिल जाएगा, रिवर्स बायस मिलेगा, थायरिस्टर हमेशा क्या होता है आपका ऑफ, तो मैं क्या कहूंगा, बीटा इज हाउ मच, पाई। नेक्स्ट क्या था, कंडक्शन एंगल, कंडक्शन एंगल इज इक्वल टू हाउ मच, बीटा माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल टू पाई माइनस जीरो, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, पाई। नेक्स्ट आ जाओ जरा, किसकी बात की गई थी कंडक्शन एंगल बाद, रिवर्स बायस कितनी देर के लिए रहेगा, तो कितना रहता है, 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई प्लस थीटा 1 जीरो माइनस बीटा, बीटा इज हाउ मच, पाई, कितना आ गया, पाई ड्यूरेशन के लिए, इज इट ओके। नेक्स्ट आ जाओ पीआईवी की बात करते हैं, पीआईवी इज इक्वल टू आर है ना, इसमें ई तो है नहीं, अगर ई नहीं है तो वीएम प्लस ई, ई की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तो कितना आएगा आपके पास, वीएम, इज इट ओके। नेक्स्ट हम बात करें, अगर किसकी बात करें, आई नॉट एवरेज की अगर हम बात करें, तो आई नॉट एवरेज मेरे पास कितना आएगा, आई नॉट एवरेज इज इक्वल टू, आई नॉट एवरेज इज इक्वल टू 1/2πr
Vm cos alpha and alpha is equal to how much? Theta 1 and theta 1 is equal to how much? 0. तो मैं क्या कहूंगा cos 0 minus cos beta. Beta value कितनी? Pi. अगर beta value pi तो how much you will get? Cos pi. क्या ये है इसके अंदर? नहीं है. तो नेक्स्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं आपको. That is equal to this one. इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 1 by 2 pi r bracket Vm cos 0 की वैल्यू होती 1, cos pi की वैल्यू minus 1, minus minus कितना? Plus 1. तो कितना मिला मेरे पास? That is equal to Vm by pi into r. That is I not average. तो recall, single phase half wave uncontrolled diode rectifier with the resistive load gives I not average value is equal to Vm by pi into r. Next आता, last point आता, V not average is equal to how much? I not into r plus E. और E की value क्या है? 0. तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है. तो V not average is equal to how much? I not average into r. तो this is how you will deal if you have a different kinds of load, whether it is a controlled rectifier, whether it is what? Uncontrolled rectifier. Don't ever try to remember all these formulas. Okay? What you have to know? You have to know about every terminology, what, how you are getting all these things. So important kya hai aap paas? Important hai aapke paas ki aap RLE load pe बहुत ही ज्यादा फोकस करो. और मैं इतनी एश्योरिटी दे रहा हूं आपको, अगर आरएलई लोड पे आपका एक अच्छा फोकस है, आप उसको अच्छे से समझ चुके हो जैसा कि यहां बताया गया आपको, तो आपको बस उतनी चीजें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज थीटा 1, व्हाट इज थीटा 2, व्हाट इज पीआईबी. तो जनरल एक्सप्रेशन यू मस्ट नो कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम जब भी सिंगल फेज की बात करेगा तो हमेशा और हमेशा 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस कितना होना आपका? बीटा. इज इट ओके? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पीआईवी की. बात करेंगे तो हमेशा वीएम प्लस ई. जहां ई हो वहां रखो, जहां ई नहीं है वहां मत रखो. तो जनरल एक्सप्रेशन याद करने का नाम हमेशा क्या है? केवल 4. 4 का मतलब हो गया थीटा 1 एंड थीटा 2. दिस इज नंबर 1. नेक्स्ट क्या आपके पास है? कंडक्शन का मतलब होता है बीटा से अल्फा तक, बीटा माइनस अल्फा. नेक्स्ट आपके पास क्या होगा हमेशा? कि पीआईवी कितना होगा? दैट इज वीएम प्लस ई ऑलवेज. ठीक है. नेक्स्ट क्या होगा? सर्किट टर्न ऑफ टाइम 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस बीटा. नेक्स्ट क्या होगा आपके पास? I not average is equal to 1 by 2 pi r Vm cos alpha minus cos beta minus E beta minus what? Alpha. And V not average का general expression क्या होगा आपके पास? I not into r plus what? E. If you know all these four formulas, you can derive for any load, whether it is controlled or whether it is a uncontrolled rectifier. Uncontrolled में हमेशा याद रखो alpha is always equal to how much? Theta. That's all. अगर आपको ये पता है कि अनकंट्रोल में अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा 1, यू कैन डू दिस थिंग. नेक्स्ट और क्या रिमेंबरिंग पॉइंट था? कि अगर इंडक्टर, जहां पे भी इंडक्टर आ जाए, यू जस्ट नो इट, जहां रिवर्स बायसिंग होगी उसके बाद ही कहीं ना कहीं बीटा आएगा आपका. दैट्स ऑल. अगर मेरे पास ई भी होगा तो थीटा 2 के बाद तुरंत रिवर्स बायस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद बीटा जो एग्जिस्ट करेगा वो थीटा 2 के बाद ही एग्जिस्ट करेगा, पहले नहीं कर सकता. अगर ये एल नहीं है तो कभी भी रिवर्स बायस जिस पॉइंट होगा उसी पॉइंट पर तुरंत मेरा सीआर या डायोड क्या कर जाएगा आपका? ऑफ कर जाएगा. दैट्स ऑल. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ हाउ टू डील विद दिस, वेदर इट इज आर लोड, आर एल लोड, आर एल ई लोड, आर ई लोड, वेदर इट इज अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर और कंट्रोल रेक्टिफायर. आपको बस क्या पता होना चाहिए? अगर मैं फुल एंड फाइनल कंक्लूजन की इसमें बात करूं तो आपको बस इतना पता लगना चाहिए कि हमेशा जब भी एल रहेगा, जैसे ही रिवर्स बायस क्रिएट होने वाला होगा थायरिस्टर को, हमेशा और हमेशा उस पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं आपका बीटा एग्जिस्ट करने वाला है. ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए आपका? कि आप थीटा 1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू हाउ मच? साइन इनवर्स ई बाई बी एम. थीटा 2 इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच? पाई माइनस थीटा 1. नेक्स्ट क्या है? अल्फा इज द फायरिंग एंगल इफ इट इज अ व्हाट? कंट्रोल रेक्टिफायर. बीटा इज द एक्सटिंक्शन एंगल, मतलब जब तक वो कंडक्ट करेगा. तो कब तक कंडक्ट करेगा? बीट अल्फा से लेके बीटा, इसका मतलब बीटा माइनस अल्फा इज ऑलवेज कंडक्शन एंगल. टाइम निकालना तो ओमेगा से आप डिवाइड कर दो. नेक्स्ट जो आया था हमारे पास, दैट इज अगर मैं बात करूं तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम की, अगर मैं बात करूं तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच? 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस व्हाट? बीटा. दिस इज फॉर थायरिस्टर. इज इट ओके? नेक्स्ट फिर क्या आया था हमारे पास? पीआईवी. पीआईवी इज इक्वल टू वीएम प्लस ई ऑलवेज. Is it okay? Next, I not average आया था 1 by 2 pi r Vm cos alpha minus cos beta minus E beta minus alpha. Is it okay? जब भी बस uncontrolled rectifier आएगा तो आपको बस एक point remember करने वाली बात है, that is what?
कि अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा वन, दैट्स ऑल। और एल अगर होगा तो जहां से भी आपका रिवर्स बायसिंग स्टार्ट होगी, दैट इज वहां से ही आपका मतलब थीटा टू हमेशा स्टार्ट करती है, तो थीटा टू के बाद से ही आपको क्या रखना है, उसको बीटा को कहीं ना कहीं थीटा टू के बाद ही आपको रखना है। अगर एल नहीं है तो उसी पॉइंट पे एग्जैक्टली आपका क्या हो जाएगा, थायरिस्टर या डायोड क्या कर जाएगा, आपका ऑफ कर जाएगा, दैट इज ऑलवेज अ थीटा टू। तो फुल एंड फाइनल थीटा वन से थीटा टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हाउ टू कैलकुलेट एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ प्रॉपर मैनर। और आप इसको अगर ध्यान से एक बार ट्राई कर सकते हो, अपने आप अगर एक बार ट्राई करके देखो, तो आप कहोगे कि सिंगल फेज रेक्टिफायर में जब भी कभी ऐसी बातें की जाएंगी तो आपको इतने सारे फॉर्मूले अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। इतने सारे अनट्रंड कंट्रोल के 4 to 5 लोड्स, कंट्रोल के 4 to 5 लोड्स, सबके लिए अगर इतने फॉर्मूले आप रिमेंबर करोगे, डेफिनेटली यू विल कमिट अ मिस्टेक इन द रियल एग्जाम। सो डू नॉट रिमेंबर एनी फॉर्मूला, जितना बताया गया उतना याद रखो बस, दैट इज मोर देन सफिशियंट। तो आरएनई लोड को आप एक बार फिर से रिवाइज करो और चीजों को हैंडल करो। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इज इट ओके? सो आई होप एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, सो थैंक यू सो मच।